हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम्स ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर। देखिए इसमें क्या होता है कि द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर को अगर आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट वी राइट द टॉपिक इक्विवेलेंट सर्किट। सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। इसमें क्या होगा जब आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जनरेटर का, देखिए इक्विवेलेंट ये तो हो गया आपका इनपुट, ठीक है, ये आर्मेचर रिएक्टेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका आर्मेचर रिएक्टेंस XAR, ठीक है। ये हो गया आपका X अल्फा, ये हो गया R अल्फा, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया लोड। ये हो गया आपका लोड एंड दिस इज द वोल्टेज V एंड दिस इज द सप्लाई EA, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया सिंक्रोनस जनरेटर का। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसको मान लीजिए हम XS को मान लें XAR + Xα, इफ वी टेक XS इज इक्वल टू XAR + Xα, ठीक है। तो इसको हम दोबारा रीड्रॉ कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो गया, ठीक। इन दोनों की जगह पे आपने एक रिएक्टेंस लगा दिया XS, ये हो गया XS। फिर ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस, ये लोड, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपने जैसे दिखाया है वैसे ही दिखा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये EA और ये लोड, ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक है। अब इसमें जो तीन केस होते हैं पावर फैक्टर को अगर हम लेके कंसीडर करें, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो पहला केस हम इसमें लेते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर cos φ। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने पहला केस इसमें लिया लैगिंग पावर फैक्टर cos φ, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि इसका जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में जो फेजर डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। उसको पहले आप देख लीजिए, ये मान लीजिए हमने ये लिया, दिस इज V, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए पॉइंट O, ये पॉइंट हमने ले लिया A। उसके बाद IA RA, तो मान लीजिए आपने ये कहा कि दिस इज IA RA, ठीक। उसके बाद IA XS, तो आपने IA RA के बाद IA XS ड्रॉ किया इस तरह, ये हो गया IA XS। अब यहां से जो रिजल्टेंट आएगा EA वो हो जाएगा, इसको मान लीजिए एक्सटेंड कर दीजिए यहां पे, ठीक है। ये हो गया EA। अब ये मान लीजिए आपने ए पॉइंट लिया है, ये सी लिया है, ये डी लिया है, और ये जो IA XS आपने बनाया ये IA RA हो गया, और ये हो जाएगा IA ZS, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस तरह, ये हो गया IA ZS, दिस इज IA
जेड एस। ठीक, अब इसके ऊपर जब आप आई ए ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये आई ए आया आपका इस तरह, ये हो गया आई ए, ये पॉइंट आपने लिया बी, इस पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह, ये पॉइंट हो गया एफ, और इस पे जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे ये हो गया जी। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम आपका लैगिंग पावर फैक्टर केस में इस तरह फेजर डायग्राम आएगा। अब इसमें क्या है कि आप देखिए, द पावर फैक्टर इज कॉस फाई लैगिंग इन दिस डायग्राम, द टर्मिनल वोल्टेज वी इज टेकन एज रेफरेंस फेजर अलॉन्ग ओ ए सच दैट ओ ए इज इक्वल टू वी फॉर लैगिंग पावर फैक्टर कॉस फाई, द डायरेक्शन ऑफ द आर्मेचर करेंट आई ए लैग्स बिहाइंड बी बाई एन एंगल फाई अलॉन्ग ए बी। अब मान लीजिए ये एंगल इसमें जो लैग कर रहा है, ये एंगल हो जाएगा आपका फाई, तो इसमें देखिए करंट लैग कर रही है वोल्टेज से 5 डिग्री, और ओ बी इज इक्वल टू हमने दिखाया है आई आई अल्फा, द वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज आई ए आर ए, तो इसको हम देखिए शो करते हैं, ये जो वोल्टेज ड्रॉप दिखाया ये वाला, ये जो वोल्टेज दिखाया है ये आई ए आर ए लिखा हुआ है। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी डी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी डी। अच्छा, ये आई ए आर ए जो है आपका ये ए सी हो गया, और उसके बाद आई ए एक्सेस जो है ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी डी, इट लीड्स द करेंट आई ए बाई 90 डिग्री एंड देयर फोर सी डी इज ड्रॉन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओ बी, द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सिंक्रोनस इंपेडेंस इज द फेजर सम ऑफ आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डी, तो आई ए एक्सेस हो गया आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस, द फेजर ओ डी रिप्रेजेंट ई ए, तो ये जो फेजर ओ डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई ए को। अब हम मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए कैन बी फाउंड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ओ जी डी, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल देखिए जो क्या राइट एंगल ट्राइंगल है ओ, ठीक है जी डी, ठीक है इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम ओ डी स्क्वायर निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस ट्राइंगल ओ डी स्क्वायर, वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, ओ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ओ जी को हम क्या लिख सकते हैं ओ एफ प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ओ एफ प्लस एफ जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। ठीक है, और जी डी को भी हम क्या बाइफरकेट कर सकते हैं, इसको हम लिख लिया हमने ओ एफ प्लस एफ जी का स्क्वायर प्लस जी डी को हम लिख सकते हैं फिगर में आप देखिए जी सी प्लस सी डी, तो इसको हम लिख सकते हैं जी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा सीधा हो गया वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर आ गया, प्लस अब यहाँ पे लिखिए आप जी सी को वी साइन फाई, वी साइन फाई प्लस सी डी हो गया आई ए एक्स ए, आई ए एक्स ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी एक तरह से जो ई ए का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस का, ये एक्सेस होगा आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर, तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये तो एक केस हो गया आपका लैगिंग पावर फैक्टर कॉस फाई का, जिसमें पावर फैक्टर जो है वो लैग कर रहा है। अब सेकेंड केस हम लेते हैं, उसमें क्या है, उसमें है यूनिटी पावर फैक्टर, तो अब इसको हम लिखते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो यूनिटी पावर फैक्टर के केस में क्या होगा कि इसका जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसका फेजर डायग्राम जो आएगा यूनिटी पावर फैक्टर का वो इस तरह आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो
ये तो हो गया ओ ए, ठीक। उसके बाद हमने ये बनाया ए सी, तो हमने ये बना दिया आगे ए सी, और उसके बाद फिर हमने ये आगे निकाल दिया सी बी, तो ये भी हमने इधर ए सी हो गया, सी बी हो गया, और इधर हो जाएगा आई ए। अब इस पे क्या होगा कि 90 डिग्री, चूंकि यूनिटी पावर फैक्टर है, तो यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री पे ये बना दिया डी, ठीक। और जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आ जाएगा आपका इस तरह, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा ई ए, ये हो गया आपका आई ए जेड एस, इसको मिला दीजिए ऐसे, ये हो गया आई ए जेड एस, ये हो गया आई ए आर ए, और ये हो गया आई ए एक्स एस। और ये जो एंगल है इसको मान लीजिए हम शो कर रहे हैं एंगल किससे, डेल्टा से, ठीक। ये वोल्टेज बी हो गया, ये आई ए आर ए, सारे सारे नोटेशन इसमें हमने दिखा दिया। अब इसमें देखिए क्या होगा कि ये अगर इसका फेजर डायग्राम है यूनिटी पावर फैक्टर के केस में, तो अगर इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल लें कौन सा, ओ सी डी, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप ओ सी डी लेंगे इसमें क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब ओ सी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। यानी एक तरह से ये हो गया ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा वी प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस आई ए एक्स एस का होल स्क्वायर। तो एक तरह से ई ए हो गया हमारा, ई ए इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट वी प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस आई ए एक्स एस का स्क्वायर। तो यूनिटी पावर फैक्टर के केस तो इस तरह फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से हम ई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस है किसका, थर्ड केस है लीडिंग पावर फैक्टर का। तो अब हमने यहाँ पे लिखा लीडिंग पावर फैक्टर कॉस फाई, ठीक है। तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में हम क्या करेंगे, इसका जो फेजर डायग्राम करेंगे इसमें करंट जो है लीड करेगी, ठीक है। तो इसमें जब करंट लीड करेगी तो इसको आप ड्रॉ करेंगे, तो ये मान लीजिए आपने लिया दिस इज ओ ए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आई ए आर ए, ठीक है। उसके बाद आई ए जेड एस आपका आ जाएगा यहाँ कहीं, तो ये आपने बना दिया इस तरह आई ए जेड एस, आई ए जेड एस, ठीक। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आ जाएगा आपका इस तरह, ये हो गया ओ डी, क्लियर। अब ये हो गया आपका ओ बी, और यहाँ पे आप क्या करेंगे जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया, और इसको आप करेंगे तो ये आ गया। तो ये मान लीजिए एफ हो गया, ये जी हो गया, ये ओ बी ओ डी ओ ए हमने कर ही दिया है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी। तो अब इस केस में लीडिंग पावर फैक्टर के केस में जब आप ट्राइंगल ओ जी डी के केस में आप देखेंगे तो ओ डी का स्क्वायर कितना आएगा, ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ओ जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया ओ एफ प्लस एफ जी का होल स्क्वायर प्लस, और जी डी हो जाएगा आपका जी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ई ए की वैल्यू जो आएगी, ई ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी कॉस
फाई प्लस आईए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी साइन फाई माइनस आईए एक्स एस का होल स्क्वायर। तो इस तरह से लीडिंग पावर फैक्टर के केस में भी हम ईए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो हमने देखिए इस फिगर में ये जो एंगल दिखाया है डेल्टा, तो ये डेल्टा क्या है, द एंगल डेल्टा बिटवीन ई ए एंड बी इज कॉल्ड द पावर एंगल और टॉर्क एंगल ऑफ द मशीन। तो ये जो डेल्टा है ये किसके बीच में है, वी एंड ई ए के बीच में, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर एंगल, दिस इज कॉल्ड पावर एंगल और टॉर्क एंगल ऑफ द मशीन, टॉर्क एंगल ऑफ द मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो टॉर्क एंगल है आपका, इट वेरीज विद लोड एंड इज ए मेजर ऑफ एयर गैप पावर डेवलप्ड इन द मशीन। मतलब ये जो डेल्टा एंगल है पावर एंगल, ये लोड के साथ वेरी करता है और एक तरह से ये एयर गैप का मेजरमेंट है, इट इज ए मेजर ऑफ एयर गैप पावर डेवलप्ड इन द मशीन। तो जो एयर गैप पावर डेवलप होती है मशीन में, उसका मेजरमेंट इस डेल्टा से हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।